जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यम दूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सवाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो, अथवा छल से भी शिवजी का बाना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो, तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यम गणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिव लोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहां के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ जन्म लिया तथा करदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने शिवालय हों वहां दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करें उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीप दान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के तीन स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंजली पत्नी से दो पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे साप के फल स्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विज मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ। परंतु वे रावण का नाश ना कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना की, अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर बानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम सटतिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज करते हुए एक काल व्यतीत हुआ, जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ उस समय विश्रवास ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया।
अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रंग रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदा शिव ने उच्च स्वर में कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति का यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खुलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष को दृष्टि से देखा। इससे उनकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी को दृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान दिखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छलका त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, ये तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाएं, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना, अंतर ध्यान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद,
मैंने तुम्हें यह विश्रवा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिग्पति को वरदान देकर जब शिवजी अंतर ध्यान हो गई, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिग्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो पर ब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इसमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहां वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़कर चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म शास्त्र, प्राण, तुम अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव जी के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उसके पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिव जी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए तथा एक बृहत उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्धत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आवासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अतार्त, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगत जननी श्री गायत्री, गरुण पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्र गणों को चलने के लिए उदत देकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाएं ओर मैं तथा विष्णु हंस पर एवं गरुण पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे।
जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी, जिसे वह सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ आगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर वही वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें। फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सौर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया गया, अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिव जी की से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिव जी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक और पूजन किया जाए, हम आपको सिंहासन पर बिठा कर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से सो मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। उसके पश्चात शिवजी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक मरीचि ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा अन्य मुनि आदि ने भी शिव जी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस प्रकार आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ यह उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता उपदेवता गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सबने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की।
तब शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगें? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें, हमको कोई भय ना हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको अवैधान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए, फिर सबको समझा कर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम्ही पालन करते हो, अस्तु जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुख पूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा लेकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है, हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो, तुम प्रसन्न रहो, अस्तु अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुए। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। श्री शिव महापुराण पहला खंड सप्तम अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।